हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमेघ विद्यालय, किल्ला पारडी। एंड टुडे वी आर लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर लर्न अबाउट सब्सटेंस। सम सब्सटेंस वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट from a mixture of material like tea. Okay, tea leaves are separate from the liquid with a strainer while preparing tea. हम जब tea बनाते हैं तो strainer से क्या करते हैं, tea leaves and tea को separate करते हैं. Then we learn about some more example of separation. Then we discuss about why do we separate substance. हम substance को separate क्यों करते हैं? So we separate substance because to separate harmful substances from a mixture like stones, insect, grain, pulses. Okay. Then to separate non-useful substance from a mixture. Like staining tea leaves from tea. Then to separate two useful component like butter and lassi by stirring curd. Okay. Then we discuss about different method of separation. How many method of separation? Friends, we learn about that 8 method of separation. First one is hand packing, second one is threshing, then winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, and last one is evaporation. Friends, we learn about hand picking, threshing, and winnowing. In the last lecture, we learn about shaving. So, friends, today we are learn about the 5th method of separation is sedimentation. So, friends, what do you know about sedimentation? What is sedimentation? Sedimentation kya hota hai? So, let's we know when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation. Friends, when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, means हैवियर कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर, मीन्स एक मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में क्या है, सम हैवी मटेरियल है एंड सम नॉन हैवी, मीन्स कि लाइट वेट मटेरियल है. ओके, सो हैवी मटेरियल इन अ मिक्सचर सेटल डाउन, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एड टू इट. कब, जबकि वाटर उसमें ऐड किया जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सो फ्रेंड्स, नाउ वी डिड वन एक्टिविटी. ओके, सो फ्रेंड्स, इन हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग सम यूजफुल सब्सटेंस आर नॉट सेपरेट बाय हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग. सो For example, they may be lighter impurity like dust, stalks, and some soil particles in rice or pulses. So friends, how are such impurities separate from rice or pulses before cooking? Yes, rice or pulses are usually washed before
कुकिंग, व्हेन यू ऐड वाटर दीज द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेट, क्या हो जाता है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाती है. सो लेट्स वी नाउ वन एक्टिविटी. सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन द हैवियर मटेरियल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एड टू इट. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, मैंने क्या लिया है, राइस ग्रेन. ओके, सो इस राइस ग्रेन में क्या है, सम इम्प्यूरिटीज. आप देख सकते हो कि बहुत सारी इम्प्यूरिटीज इसमें है, बट ये इम्प्यूरिटीज क्या है, टाइनी, मीन्स कि बहुत ही छोटी छोटी है. तो इसे हम नॉर्मली हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते. तो हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे, वाटर. सो हम जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इम्प्यूरिटी है वो ऊपर आ जाएगी, मीन्स क्या करेगी, इम्प्यूरिटी जो है वो फ्लोट करेगी, मीन्स पानी के ऊपर तैरने लगेगी. ओके, सो इस तरह से टाइनी इम्प्यूरिटी को हैवी ग्रेन जो है वो नीचे, मीन्स सिंक हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, लुक एट हियर, जो हैवी ग्रेन है वो सिंक हो गए हैं, मीन्स नीचे चले गए हैं. एंड इम्प्यूरिटीज क्या कर रही है, स्लॉट कर रही है, मीन्स तैर रही है. ओके, सो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेट. सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जैसे जो इम्प्यूरिटी थी उसमें वो क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी. ओके, एंड जो हैवी ग्रेन थे वो क्या हो गए थे, सिंक हो गए थे, मीन्स नीचे की ओर चले गए थे. ओके, द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. सो सेम प्रिंसिपल किस में यूज होता है, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मीन्स लिक्विड मिक्सचर में भी यूज होता है, लाइक ऑयल एंड वाटर. फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है कि ऑयल को अगर वाटर में डाला जाए, मीन्स वाटर ऐड किया जाए ऑयल में, तो क्या होगा, ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट करेगा, मीन्स तैरने लगेगा. ओके, सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, आई टेक सम वाटर इन दिस ग्लास एंड आई ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हेयर ऑयल इन इट. सो लुक एट दिस, हेयर ऑयल इज फ्लोट. हेयर ऑयल क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, मीन्स तैर रहा है. आप इसमें देख सकते हो कि वो मिक्स नहीं हुआ, हेयर ऑयल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. ओके, सो हेयर ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. टू लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं होते हो, उनको सेपरेट करने के लिए भी ये मेथड, मीन्स सेडिमेंटेशन, यूज होता है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स नेक्स्ट मेथड इज डिकेंटेशन. सो फ्रेंड्स, जिस प्रोसेस में, मीन्स जो हैवी कंपोनेंट है वो सेटल हो जाते हैं एंड जो लाइट कंपोनेंट है वो फ्लोट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. बट व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इट्स सिंपल, जो हमने वाटर में, लुक एट हियर, जो वाटर में जो इम्प्यूरिटी फ्लोट कर रही है, मीन्स तैर रही है, तो उस इम्प्यूरिटी को इस तरह से सेपरेट करना. ओके, मूव करके सेपरेट करना, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन. ओके, इट्स वेरी सिंपल. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेट थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मिक्सचर है या फिर बहुत सारे
सब्सटेंस है जो कि डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन से सेपरेट किए जा सकते हो. सो यू फाइंड आउट दैट इट्स योर होमवर्क कि आपको क्या करना है. ऐसे मिक्सचर के नेम लिखने हैं जो कि सेडिमेंटेशन से सेपरेट किए जाते हो और डिकेंटेशन से सेपरेट किए जा सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन. इट इज फिल्ट्रेशन. ओके सो थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.